गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी एंड माई टूडेज टॉपिक इज फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट टॉस। आज हम पढ़ेंगे लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, किस किस टाइप के लोड्स हैं जो आपके रूफ ट्रस में लग सकते हैं। ठीक है, रूफ ट्रसेज आर सब्जेक्टेड टू डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड एंड विंड लोड। रूफ ट्रसेज जो है बेसिकली डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड और विंड लोड में सब्जेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेड लोड क्या होता है। डेड लोड ये होता है, डेड लोड और द डेड लोड ऑफ अ ट्रस इंक्लूड्स द डेड लोड ऑफ प्रूफिंग मटेरियल, पर्लिन, ट्रस एंड ब्रसिंग। डेड लोड क्या होता है, जो आपका मटेरियल यूज हो रहा है, जो मतलब रूफ में जो भी डेड चीजें हैं जिसका वेट है उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो आपका डेड लोड हुआ। जैसे कि क्या, पर्लिन, ट्रसेस, रूफिंग मटेरियल, ये सब डेड लोड में आते हैं। ठीक है, जो यूनिट वेट है डेड लोड का, मतलब किसी भी रूफिंग मटेरियल का जो यूनिट वेट है रूफिंग मटेरियल का, वो IS 875 पार्ट 1 से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, द वेट ऑफ पर्लिन इज नोन इन एडवांस एज दे आर डिजाइन फॉर द पीरियड ऑफ द ट्रस। देखो, पर्लिन का वेट हमें पहले से पता होना चाहिए अगर हमको डिजाइन करना है किसी भी ट्रस को तो। ठीक है, डेड वेट ऑफ अ ट्रसेज मे बी अज्यूम टू बी इक्वल टू 10% ऑफ द लोड ऑन द ट्रस। जो डेड वेट है किसका, ट्रस का, वो एज्यूम करना है या इक्वल टू रखना है 10% ऑफ लोड ऑन ट्रस। जो ट्रस में लोड लगेगा उसका 10% एज्यूम करना है हमें। नाउ डेड लोड के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है निकालने के लिए, जो कि स्पान अपॉन 3 + 5 × 10। ठीक है, सम अदर फॉर्मूलाज हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड, कुछ अदर फॉर्मूलाज भी डेवलप किए गए हैं डिजाइनर के थ्रू, उसमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, इन एनी केस द डेड लोड ऑफ अ ट्रस आफ्टर द डिजाइन शुड नॉट वेरी मोर देन 10%। अगर ऐसे किसी केस में ऐसा होता है कि कोई भी डिजाइन कर रहे हैं पर 10% से ज्यादा नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ आप देखेंगे लाइव लोड। लाइव लोड क्या है, IS 875 Part 2 में स्पेसिफाई किया गया है लाइव लोड को। ठीक है, एज्यूम इन द एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल बेंडिंग के बेस पे बताया गया है। नाउ सीरियल नंबर 1, रूफ स्लोप, एक्सेस एंड लाइव लोड। पहला है बिलो देन 10%, बिलो देन और इक्वल टू 10 डिग्री, प्रोवाइड्स 1.5 kN/m² ऑफ प्लेन एरिया। अगर 10% से, मतलब सॉरी 10 डिग्री, मोर देन 10 डिग्री है, मतलब 10 डिग्री से ज्यादा है, तो आपका 1.5 प्रोवाइड करेंगे। लेस देन है तो नॉट प्रोवाइडेड, नहीं प्रोवाइड करेंगे। 0.75 kN/m² लाइव लोड प्रोवाइड करेंगे। 10 to 20 के बीच में नॉट प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। और 0.75 और लेस देन 0.01 kN प्रोवाइड करेंगे फॉर एवरी डिक्रीज इंक्रीज इन स्लोप। वैसे ही 20 डिग्री से कम है तो 0.02 kN/m² फॉर एवरी डिग्री इंक्रीजेज इन द स्लोप ओवर 20 डिग्री। सो ये लाइव लोड कब कैसे प्रोवाइड करना है, कितना डिग्री में प्रोवाइड करना है, आपको ये दिया हुआ है, ये आपको याद कर रखना है। नाउ स्नो लोड। स्नो लोड क्या होता है, इफ द स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड इन द एरिया वेयर द रूफ इज सब्जेक्टेड टू स्नो। अगर स्ट्रक्चर आपका कहाँ पे है, रूफ स्ट्रक्चर कहाँ पे सिचुएटेड है, जहां पे आपका स्नो ज्यादा है। ठीक है, द लोड कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग शुड बी मैक्सिमम ऑफ द लाइव लोड और स्नो लोड। तब हम क्या करते हैं, स्नो लोड को कंसिडर करते हैं जब आपका एरिया कहाँ हो, स्नोई एरिया हो। ठीक है, द लोड ड्यू टू स्नो डिपेंड्स अपॉन द पिच ऑफ द रूफ, शेप ऑफ द रूफ एंड रूफिंग मटेरियल। देखो, लोड जो है स्नो का कैसे हम पता कर सकते हैं, डिपेंड किस पे करता है कि आपका रूफ का पिच कैसा है, शेप कैसा है और रूफिंग मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, स्नो जमने से पहले ही निकल जाता है ना, क्योंकि हमने ऐसे ढलान वाला पिच ही रूफ दिया रहता है। तो वो सब फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं स्नो लोड के लिए। स्नो लोड में बी अज्यूम्ड टू बी 2.5 Nm² पर एम एम डेप्थ ऑफ स्नो। हमको एज्यूम करना है, अगर स्नो लोड आपका नहीं दिया है तो आपको कितना एज्यूम करना है, 2.5 Nm². ठीक है, और वेन द स्लोप, रूफ स्लोप इज ग्रेटर देन 50 डिग्री। अगर आपका रूफ स्लोप 50 डिग्री से ज्यादा है, देन द स्नो लोड मे बी नेग्लेक्टेड। तब हम क्या करेंगे, स्नो लोड को नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं लेंगे। नाउ थर्ड, फोर्थ वन इज विंड लोड।
द मोस्ट क्रिटिकल लोड ऑन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन द विंड लोड, मतलब आपका जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल माना जाए सब लोड्स में, तो सबसे क्रिटिकल लोड होता है विंड लोड, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ विंड लोड इज कैलकुलेटेड एज पर डायरेक्टेड बाई ISA 75 Part 3। इसका जो डिज़ाइनिंग है विंड प्रेशर का वो कैलकुलेट किया गया है कैसे, IS Code 875 Part 3 से, ठीक है। उसमें आपको कैलकुलेशन दी गई है इसका डिज़ाइनिंग। However, फॉर द रूफ एंड वॉल्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंसिडर्ड मस्ट बी मेड फॉर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ सच एलिमेंट टू अकाउंट फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एयर प्रेशर एक्सर्टेड बाई विंड ब्लोइंग अगेंस्ट द बिल्डिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि however, जो प्रेशर जो रूफ्स हैं या वॉल है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, उसके लिए क्या कंसिडर्ड किया गया है कि जो प्रेशर है अगर आपका अपोजिट फेस में आ रहा है, किसी भी बिल्डिंग के अपोजिट फेस में आ रहा है, चाहे वो इंटरनल एयर प्रेशर हो या एक्सटर्नल एयर प्रेशर हो, वो एग्जर्ट हो जाए विंड ब्लोइंग, मतलब वो जो विंड ब्लो है एग्जर्ट हो जाए किसी भी बिल्डिंग से और बिल्डिंग को हार्म ना करें, ठीक है। इसका ध्यान रख के हमें इसका डिजाइनिंग करना रहता है। द इंटरनल एयर प्रेशर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर। जो इंटरनल और एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, फ्लो ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ओपनिंग इन बिल्डिंग। फ्लो ऑफ एयर में डिपेंड करता है और आपकी ओपनिंग ऑफ बिल्डिंग कहाँ कहाँ प्रोवाइड की गई है। जैसे आपका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हम घर में वेंटिलेशन और खिड़कियाँ दरवाजे ये सब जो प्रोवाइड करते हैं, वो एक तरीके से ये होता है कि आपका विंड का विंड आए आपके घर में, सराउंडिंग अच्छी रहे, ये सब का ध्यान रख के, है ना। तो ये एक विंड लोड्स में भी एक अच्छा वो करता है, फैक्टर है, डिपेंड करता है। Now, when the air pressure is less than the atmospheric pressure, जब air pressure आपका atmospheric pressure से कम होगा, that is negative, it is known as suction. तो उसे हम क्या बोलते हैं, suction बोलते हैं। The opening in the relation to the wall area defines the permeability of the building. जो opening है जितनी भी wall area में, जितनी भी opening, उसको permeability से डिफाइंड, मतलब परमेबिलिटी ऑफ ए बिल्डिंग बोला जाता है ना। उसके लिए एक टेबल दिया गया है, सीरियल नंबर, परमेबिलिटी, परसेंट ऑफ ओपनिंग रिलेशन टू द वॉल एरिया, इंटरनल एयर प्रेशर कोफिशियंट। पहला है जीरो, परमेबिलिटी अगर जीरो रहेगी तो परसेंट ऑफ ओपनिंग इन रिलेशन टू विंड वॉल जीरो होगा और इंटरनल एयर प्रेशर कोफिशियंट प्लस माइनस जीरो होगा। वैसे ही अगर परमेबिलिटी नॉर्मल है तो आपका ओपनिंग 5 होगा एंड प्लस माइनस 0.2 होगा इंटरनल एयर प्रेशर कोफिशियंट। वैसे ही मीडियम है तो 5 to 20 लेंगे, प्लस माइनस 0.5। वैसे ही लार्ज है तो लेस देन 20 एंड प्लस माइनस 0.7। ये विंड लोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रूफ डिजाइनिंग के लिए विंड लोड निकालना जरूरी रहता है। फॉर द एक्सटर्नल एयर प्रेशर कोफिशियंट एंड कोफिशियंट फॉर लोकल इफेक्ट्स रिफरेंस मे बी मेड टू टेबल 4 एंड टेबल 5 फॉर IS। जैसे आपको एक्सटर्नल एयर प्रेशर के लिए कॉफिशियंट निकालना है तो IS Code 875 Part 3 में दिया हुआ है। सो नाउ अब हम देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने अभी तक चार टाइप के लोड देख लिए जो आपके रूफ ट्रसेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चार टाइप के लोड्स, पहले क्या था आपका, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड एंड विंड लोड। नाउ अब हम देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स ऑन द रूफ आर कंसिडर्ड, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन कंसिडर्ड किए जाते हैं एंड द क्रिटिकल कंडीशन इज कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन, ठीक है। और ज्यादातर क्रिटिकल कंडीशन को ही डिजाइनिंग के लिए कंसिडर्ड किया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट अर्थक्वेक लोड्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर रूफ ट्रसेस। इसका ध्यान रखा जाएगा, नोट किया जाए कि जो अर्थक्वेक के लोड्स होते हैं उसको हम रूफ ट्रसेस में नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल सेल्फ वेट, क्योंकि रूफ ट्रस का खुद का सेल्फ वेट स्मॉल रहता है, कम रहता है ना, तो इसलिए अर्थक्वेक का लोड नहीं लेते हैं। द फॉलोइंग लोड्स कॉम्बिनेशन में भी वर्कड आउट, अलग अलग टाइप की फॉर्म जैसे कि कॉम्बिनेशन लिए गए हैं। पहला है डेड लोड प्लस स्नो लोड, दूसरा है डेड लोड प्लस पार्शियल और फुल लाइव लोड, पार्शियल मतलब आधा या पूरा लाइव लोड। थर्ड है डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस इंटरनल पॉजिटिव एयर प्रेशर। वैसे ही फोर्थ है डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस इंटरनल सक्शन एयर प्रेशर। फिफ्थ है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड।
The third and fourth load combination should be considered with wind direction normal or parallel to ridge. देखो थर्ड और फोर्थ वाला जो ये थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो ज्यादातर किस केस में कंसिडर किया जाएगा, जब विंड डायरेक्शन जो है नॉर्मल या पैरेलल होगी आपकी रिज से, वेर एवर इज सर्वर, मतलब रिज से अगर वो पैरेलल होगी तभी ये वाला कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाएगा. मोर ओवर लोड कॉम्बिनेशन शुड बी यूज विथ एप्रोप्रिएट पार्शियल लोड फैक्टर. और ज्यादातर जो लोड कॉम्बिनेशन है वो कैसे कंसिडर किए जाएंगे, पार्शियल फैक्टर्स का ध्यान रख. तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स है जो आपके रूफ ट्रसेस में यूज होते हैं वो कंप्लीट होता है.